हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, ये वीडियो है कल की, यानी कि सैटरडे की। तो मैंने लंच का जो रूटीन था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैंने लंच में बनाया था आलू का थिंचवाणी, भात और रोटी। तो वही मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये हमारी पहाड़ी डिश है आलू का थिंचवाणी। और आलू को किसी तरह से बना सकते हैं, काट के बनाओ, बॉईल करके बनाओ, या इसको ऐसे सिलबट्टे पे कूट के भी बनाओ, तो तरेदार सूप बहुत अच्छा बनता है इसका। तो उसी की छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो मैंने आलू पहले से ही कूट के रख दिए थे सिलबट्टे में, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊंगी मैं, बस हल्का सा बनाऊंगी। और ज़्यादा हैवी मसाले भी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, बस थोड़ा थोड़ा जो भी हमारे सूखे मसाले यूज करते हैं वही सब कुछ डालूंगी। और ज़्यादा तीखा बनाओ तो बच्चे खाते भी नहीं हैं फिर। तो यही मेरे मसालदानी में सारे मसाले बहुत कम हैं, और मैंने ये साइड में रखे हैं सारे मसाले, जो कि मैं अभी खाना बनाने के बाद मसालदानी में डाल दूंगी। ये साइड में दिख रहे हैं सारे मसाले मैंने निकाल के रखे हैं। तो मैंने कहा पहले अभी लंच बना लूंगी, उसके बाद मसालदानी में मसाले डाल दूंगी। तो सारे सूखे मसाले मैंने इस कटोरी में डाल दिए, और इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इनको भिगोने के लिए रख दूंगी। तो ये भीग गए यहाँ पे अच्छी तरह से। इन सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया है। प्याज टमाटर आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक टमाटर एक प्याज लिया है सिर्फ। और कढ़ाई मेरी ये फेवरेट कढ़ाई है, बड़ी वाली कढ़ाई भी मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे यही इसी में बनाना अच्छा लगता है। तो इसे मैंने थोड़ा सा तेल डाला सरसों का, और तेल गर्म होते हुए मैंने इसमें लगाया जख्या का छौंक, और इस पर जख्या का ही अच्छा लगता है। और साबुत जीरा मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, और जख्या के साथ साथ इसमें जीरा भी डालो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ मैं उसे डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, और मसाले अपने स्वाद अनुसार कैसे भी डाल सकते हैं, जो भी आपके किचन में अवेलेबल हो वही डाल सकते हैं। और इसमें बड़ी वाली इलायची भी है, अगर एक बड़ी इलायची भी डाल दो तो और ही ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे घर में थी मैंने नहीं डाली। इसमें एक हरी मिर्च और कसूरी मेथी है, तो मैंने दोनों को एक साथ ऐड कर लिया इसमें। कसूरी मेथी डालने से क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने एक कस के रखा था टमाटर, वो भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे टमाटर प्याज जो भी तड़का लगाया वो पक चुका है। चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है थिंचवाणी। तो यहाँ पे सारे सूखे मसाले मैंने भिगो के रख दिए थे, वो भी इसमें ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसालों को अच्छी तरह से पकने दूंगी। तो ये देख लीजिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, और हफ्ते 10-12 दिन में एक बार मैं ज़रूर बनाती हूँ आलू का थिंचवाणी, जो कि सभी को पसंद है हमारे घर में, और ख़ास तौर से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है थिंचवाणी। तो 10-12 दिन में एक बार बनता ही बनता है मेरे घर में। और इसमें मैंने जो आलू कूट के रखे थे उनको ऐड कर लिया। तो मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए मैं इसी तरह से कड़छी से मिक्स करते रहूँगी, ताकि आलू में जो है सारे मसाले मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं पानी, जितना हमें सूप करना है, जितनी हमें सब्जी चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। आप चाहो इसमें जैसे टमाटर ज़्यादा नहीं डालने हैं तो खट्टापन चाहिए तो एक आम के अचार की एक टुकड़ी भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। या थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। हाँ, कई बार मैं दही भी इसमें ऐड कर लेती हूँ 1-2 चम्मच, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इस बार मैंने नहीं डाला, दही भी नहीं डाला, और क्योंकि दही हम बाद में लेंगे लंच करते समय। तो यहाँ पे देखिए हमारा लंच तैयार है, आलू का थिंचवाणी, भात, रोटी, सलाद, दही।